हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कोरल ड्रॉ के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी डिज़ाइन में अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपको सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसका एक ग्रुप बनाना है या टेक्स्ट को कॉपी करके किसी और डिज़ाइन में लेकर जाना है, तो आप सारे टेक्स्ट को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास में होता है कि हम शिफ्ट की को प्रेस करके हम इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है तो आपको उसको सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए सॉल्यूशन होता है, आप जाएंगे एडिट मेन्यू के अंदर और एडिट मेन्यू में आपको मिलेगा सिलेक्ट ऑल और यहाँ पर आपको मिलेगा टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कीजिए। तो अब आपका जितना भी टेक्स्ट है सिर्फ टेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, मैं डिलीट प्रेस करके देखता हूँ। आप कुछ और तरीके से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डिलीट प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा टेक्स्ट यहाँ पर डिलीट हो चुका है, राइट। कंट्रोल जेड करते हैं वापस से। तो इस तरह से आप सारे टेक्स्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स अगर हम करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। वैसे आप अगर कंट्रोल ए करेंगे तो भी आपका वो काम हो जाता है उसमें। और इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका डिज़ाइन से बाहर भी बना हुआ है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है। सेम उसी तरह से अगर आपने कुछ बाहर टेक्स्ट भी रखा हुआ है और जब आप यहाँ से एडिट सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट करेंगे तो ये वाला टेक्स्ट भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एक और ऑप्शन देख सकते हैं, सिलेक्ट ऑल गाइडलाइंस। अगर गाइडलाइंस आपने देखे रखी है, उन गाइडलाइंस को आप डिलीट करना चाहते हैं सारी गाइडलाइंस को एक साथ में, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट ऑल गाइडलाइंस कर सकते हैं या आप जो भी उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे गाइडलाइंस का कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है, सब ब्लू से रेड हो चुकी है। अब आप उसकी बाद में इसको डिलीट करना चाहें या जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं, राइट। सो ये ऑप्शन काफ़ी हेल्पफुल होता है। ध्यान रखिए, जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो हम डिज़ाइन के अंदर एक ग्रुपिंग करके रखते हैं हमेशा, कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप करते हैं। जैसे अगर आपने कोई लोगो बनाया है तो आप उसका एक ग्रुप बनाकर रखना चाहेंगे, टेक्स्ट है उसका एक ग्रुप बनाना चाहेंगे, या फिर आप टेक्स्ट को कहीं और किसी और डिज़ाइन में ले जाना चाहते हैं, सारे टेक्स्ट को आप एक साथ ले जाना चाहते हैं, तो इन ऑप्शंस का आप यूज़ करके आपके वर्क को और इजी बना सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। आप लोगों का मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और अच्छे वीडियोज़ भी आने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।